तो गाइस फाइनली हम लोग भाई बहन हम लोग दुर्गा पूजा ये बकरी बाजार का हम लोग चक्रव्यूह में घूमने वाले हैं। यहाँ पे महाभारत का चक्रव्यूह बनाया गया है, लोग यहाँ पे सच में चक्रव्यूह जैसा लग रहा है। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे चक्रव्यूह में घुस गए हैं। हमको लग तो रहा है चक्रव्यूह से हम लोग कैसे निकलेंगे। चलो चलो चलो। हाँ, उसके लिए अभिमन्यु भी अन्य से भी नहीं तोड़ पाएंगे। वही बात है। यस, कलाकारों की कलाकृति है। इतना रनिंग किया क्या है भाई। तो और सच में ऐसा लग रहा है कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए भेद किया जा रहा है। अपने लोग तो किधर खो गए हैं, चक्रव्यूह में नजर भी नहीं आ रहे हैं। तो फाइनली हम लोग चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाले हैं दोनों भाई। बीचे में ही फंस जाए जी, सेल रथवे भर के हो। एक कलाकृति है, हे गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं ये रांची का फिराया लाल है और हम लोग यहाँ पे देखने आए हैं। और यहाँ पे भारत का नक्शा बनाया गया है और भारत माता का पूजा देख सकते हैं। हम छोटा भाई के साथ आए हुए हैं, परमानंद है, मालती है। मालती ए हाय करो, माँ भवानी का पंडाल का अवलोकन सकते हैं यहाँ पे। भारत का मोक्ष लगा हुआ, हाँ, भारत माता का वो बना हुआ है निकासी द्वार के। हम सब hey guys, अभी हम लोग रांची में हैं और अभी रातू रोड का जो पंडाल है और हम लोग ये सही इच्छा तीनों भाई बहन आए हैं रांची पंडाल देखने। आप मुझे सतयुग जो है सतयुग हो सकता है, ये कहते आएगा इसको बोलते हैं लोग हैं। भगवान जब जब राम प्रकट हुए थे संसार में तो अनुरोध है कि आप कर लीजिए। कहते हैं खाली दोते थे राजन आकाश ले थे, आप देख सकते हैं राम जी को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के नाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी और बहुत श्रद्धा से लिए आपकी कविता जय माता दी। ये है रातू रोड का प्रेम संस का पंडाल। यहाँ पे हम लोग भाई बहन घूमने के लिए आए हुए हैं और उससे प्राप्त कर ले जिससे माता का आशीर्वाद परम है आप पर और अपने परिवार पर बना रहे। बहुत साल बाद समझ एक नंबर।
जितना सबका मल्लिकार्जुन धाम आंध्र प्रदेश केदारेश्वरम धाम उत्तराखंड।